नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। खबरों के दौरान हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले को जनता की आवाज न्यूज चैनल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आज का इतिहास। देश की आज़ादी की लड़ाई में कुछ नौजवानों का बलिदान याद करने वाला था, जिन्होंने पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम का रुख बदल कर रख दिया। इनमें एक नाम खुदीराम बोस का है, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र महज 18 साल कुछ महीने थी। अंग्रेज सरकार उनकी निडरता और वीरता से इस कदर आतंकित थे कि उनकी कम उम्र के बावजूद उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि 2014 में आए वो 2024 के बाद रह पाएंगे या नहीं, उन्हें 2024 की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी फिर से हुई कोरोना संक्रमित, घर में हुई आइसोलेट। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामले फिर बढ़े। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,047 नए मामले सामने आए। केंद्र सरकार ने कोविड की रोकथाम के लिए बायोलॉजिकल ई कंपनी की तैयार कॉर्बोवैक्स बूस्टर टीके को दी मंजूरी। ये टीके 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए लगाए जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोडवेज की 150 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को जल्द ही रोडवेज बसों में फ्री सफर की सुविधा दी जाएगी। एयरपोर्ट की तर्ज पर बस स्टेशन विकसित करने के दिए गए निर्देश। यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला, 9वीं से 12वीं एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए आधार होगा अनिवार्य। नए बदलाव को लेकर यूपी सरकार ने 4 दिन पहले ही अपनी वेबसाइट को अपडेट किया। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिम में वर्कआउट करते हुए उनको हार्ट अटैक आया। आपको बता दें कि इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट अपलोड करने से मिली छूट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। पोर्टल के बार बार डाउन होने से फॉर्म भरने और सर्टिफिकेट अपलोड करने में आ रही परेशानी की शिकायतों की वजह से यह निर्णय लिया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जाते जाते मुफ्त की रेवड़ी संस्कृति पर राजनीतिक दलों को किया सावधान। नायडू ने कहा है कि चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की लोक लुभावन घोषणाएं राज्य की वित्तीय सेहत के लिए ठीक नहीं है। चीन ने ताइवान स्टेट में 4 दिन की युद्धाभ्यास की अवधि खत्म होने के बाद भी उसे आगे बढ़ा दिया। इसे देखते हुए ताइवान भी अलर्ट हो गया। चीनी विमानों और युद्धपोतों ने अपनी समुद्री सीमा के बाहर जाकर सैन्य अभ्यास जारी रखा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुरुड के समुद्र में फंसे 10 मछुआरों को एयरलिफ्ट करके बचाया गया। ये मछुआरे दूर समुद्र में तेज हवाओं के बीच फंस गए थे। 1 अक्टूबर 2022 से आप दिल्ली एनसीआर में अपनी कार को ड्राइव नहीं कर पाएंगे। दरअसल वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग ने एक नई नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसके अनुसार यदि वायु प्रदूषण का स्तर त्योहारी सीजन के दौरान 450 AQI से अधिक हो जाता है तो BS4 इंजन वाले डीजल कारों को दिल्ली NCR से प्रतिबंधित किया जा सकता है। आए दिन खाना बनाना महंगा होता जा रहा है। पहले खाद्य तेल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत ने जनता को परेशान किया था, अब रसोई का बजट फिर से बिगड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 6 हफ्तों में उड़द और अरहर दाल की कीमत में 15% से भी ज्यादा की वृद्धि देखी गई। दिल्ली नगर निगम 6,000 करोड़ के घोटाले का आरोप, मनीष सिसोदिया ने जांच कराने के लिए LG को लिखा पत्र। पत्र लिखकर मनीष सिसोदिया ने 6,000 करोड़ टोल टैक्स घोटाले की मांग
सीबीआई जांच कराने की मांग की। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। अदालत ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित टिप्पणी मामले में 19 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई, साथ ही सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया। 15 अगस्त से पहले पंजाब में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हलचल हुई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की 10 बटालियन के जवानों ने सीमा चौकी डेरा बाबा नानक टाउन के पास से 2 पाकिस्तानी नागरिकों को घुसपैठ करते पकड़ लिया। ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा जून 2022 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त है। ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्लर्क के 759 पदों पर निकाली भर्ती। पंजीकरण प्रक्रिया 27 अगस्त 2022 तक चलेगी। बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि नागिन 6 अक्टूबर में ऑफ एयर हो जाएगा। फैंस का दिल टूट गया था क्योंकि इन दिनों ये शो काफी मजेदार आ रहा है। हालांकि मेकर्स ने शो को थोड़ा आगे खिसका दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्शक दिसंबर तक ये शो देख सकेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू फिल्म भोला के सेट पर एक स्टंट के दौरान बुरी तरह से घायल होगी। एक्ट्रेस की आंख पर चोट आई है। इस फिल्म में तब्बू एक निडर पुलिस अफसर का किरदार निभा रही है। अजय देवगन और तब्बू स्टारर्स फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में चल रही है। रणवीर सिंह ने अभी हाल ही में एक मैगजीन के लिए न्यूड फोटो शूट करवाया था, जिसके बाद से वो चर्चा में बने हुए थे। अब इसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में PIL दायर हुई है। मौसम विभाग ने 2 दिन तक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भारी बारिश का अनुमान जताया। दिल्ली में अब कुछ दिनों तक बारिश नहीं होगी, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। सोने और चांदी कीमत में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में 10 ग्राम सोने की कीमत 60 रुपये गिरकर 52,811 पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में ये 52,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। न्यूयॉर्क स्थित कंपनी कैस्पर अपने यहाँ ऐसे लोगों को भर्ती कर रही है जो असामान्य स्थिति में भी नींद लेने की क्षमता रखते हों। कंपनी ने इन्हें कैस्पर स्लीपर का नाम दिया है। कंपनी इसके लिए उन्हें पैसा भी दे रही है। आयकर विभाग अपने करदाताओं के ITR के मूल्यांकन करने के बाद अब रिफंड भेजना शुरू कर रहा है। ज़्यादातर करदाताओं को अपने रिफंड का बेसब्री से इंतजार होगा, लेकिन समय बीतने के बावजूद आपको रिफंड नहीं मिला या विभाग ने इसे रिजेक्ट कर दिया है तो आप दोबारा इसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यूपी सरकार में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है। उनकी नई जिम्मेदारी के ऐलान से पहले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नेता सदन से इस्तीफा दे दिया था। हमारा आज का सवाल है, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। नमस्कार।